चले अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ अंदर से कि ट्रांसगार्ड की अकोमोडेशन अंदर से कैसी। ये ट्रांसगार्ड की ट्रांसपोर्टेशन है, आप देख सकते हैं कि लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं इसके अंदर बैठे हैं, और ये ट्रांसगार्ड की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी। यहाँ से एक गाड़ी पिक करती है सिक्योरिटी को हर रोज़ ड्यूटी के लिए। ट्रांसगार्ड का डाइनिंग रूम, पूरे महीने का वाईफाई 25 दिरहम में। हाउ इज़ ट्रांसगार्ड? ट्रांसगार्ड गुड, इट्स गुड, गुड कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ ट्रांसगार्ड कंपनी की अकोमोडेशन में, और ये जबल अली के जो स्टाफ है, पार्को का स्टाफ, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मदीना मार्केट के सामने। यहाँ से हम ट्रांसगार्ड की अकोमोडेशन में जाएंगे। ये सामने ट्रांसगार्ड की अकोमोडेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, और जैसे ही आप मेट्रो बस से उतरेंगे, ये जो RTA की बस होती है वहाँ से उतरेंगे, तो सीधा ये रास्ता पकड़ के आपने ट्रांसगार्ड अकोमोडेशन में पहुँचना है। तो फाइनली हम ट्रांसगार्ड अकोमोडेशन के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला कैंप, ये सारा ट्रांसगार्ड का कैंप है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, शायद लिखा हुआ है वी आर हायरिंग। चेक करते हैं करीब जाके क्या सीन है, फिर हम अंदर जाएंगे, आपको रूम भी दिखाऊंगा, और वॉशरूम्स, अकोमोडेशन का जो रिहाइश का सिस्टम होता है सारा कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, अप्लाई नाउ, यानी अभी भी ट्रांसगार्ड में हायरिंग चल रही है, नो फीस, यानी फ्री वीज़ा है उनका, और यहाँ पर ये लोग हायर कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अंदर और आपको बताऊंगा कि क्या सीन है अंदर का। तो सीधा जाते हैं, ये जो गेट है ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से अंदर से बाहर आते हैं, और ये जो है यहाँ से गाड़ियाँ अंदर बाहर जाती हैं, ये जो गेट है अकोमोडेशन का। और सीधा आगे जाएं, ये देखें कंपनी जो है, वो कंपनी की गाड़ी जा रही है, लोग जो है वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, और इस बस के अंदर देखें बंदे बैठे हुए हैं। तो ये कंपनी की बस है और लोग जो है वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं ट्रांसगार्ड कंपनी के। तो लोगों से भी पूछेंगे ट्रांसगार्ड कैसी कंपनी है, वो लोग क्या बोलते हैं। देखिए सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे वाले गेट से जो है वो सीधा अंदर जाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि अंदर का क्या सीन है। तो हम बिल्कुल इंट्रेंस के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम अंदर जाएँगे। ये देखिए हम अंदर मौजूद हैं, अभी अंदर मैं आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या सीन है। ट्रांसगार्ड कंपनी दुबई, उसकी अकोमोडेशन जो है उसमें मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अकोमोडेशन कैसी है। लोग तो बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है और लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी ट्रांसगार्ड की अकोमोडेशन है। हम आगे जाते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, रूम्स वगैरह देखेंगे क्या सीन है। सबसे पहले इस साइड पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये सारी पार्किंग है यहाँ पे, ये जितनी भी गाड़ियाँ ये ट्रांसगार्ड कंपनी की गाड़ियाँ हैं, और स्टाफ को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये देखिए 7 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के, 7-8 फ्लोर हैं, और ये जो एरिया यहाँ पे लिफ्ट है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से आप 7 फ्लोर में अगर आप जाओगे तो सीढ़ियों से तो टाइम लग जाता है, इसलिए लिफ्ट रखी हुई है कि लिफ्ट से आप सीधा जा सकते हैं जी ऊपर की तरफ, 7 फ्लोर की तरफ। और हम सीधा जाते हैं, यहाँ पे इनका एक डाइनिंग हॉल भी है, तो हम आके जाके चेक करते हैं कि डाइनिंग हॉल किधर है। यहाँ पे है जी, यहाँ पे मतलब कि बंदे जो बैठ के खाना खाते हैं, या तो डाइनिंग वगैरह होती है, मेस वगैरह होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, फूड कूपन फॉर द नेक्स्ट मंथ इज़ अवेलेबल नाउ, यानी कि इधर जो खाना है फ्री खाना, फ्री खाना तो नहीं है मतलब पैसों का खाना है, पर मेस का खाना भी कंपनी देती है। और ये नोटिस बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे ट्रांसगार्ड का जो भी मैसेज होता है वो यहाँ पे लगाते हैं जो एम्प्लॉय को देना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय जैसे ही अंदर आते हैं तो ये नोटिस बोर्ड भी पढ़ते हैं, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई नोटिफिकेशन कंपनी दे रही है तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा होता है। ये सामने हम जाएँ तो यहाँ पर जो है ना लोग फुटबॉल देख रहे हैं, देखिए अच्छा सिस्टम है आगे, ये देखिए बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और लोग फुटबॉल देख रहे हैं। और इस साइड पे जाएं तो इस साइड पे भी नोटिस बोर्ड है, और सामने जो है ना ये सारा डाइनिंग एरिया, देखिए कितना बड़ा डाइनिंग एरिया, और ये जो ओवन लगाया हुआ है, गर्म पानी की भी फैसिलिटी है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है ट्रांसगार्ड कंपनी की अकोमोडेशन का। अगर हम आगे जाएँ तो आगे आपको दिखाता हूँ, ये मेस वाला एरिया है जहाँ पर मेस का जो खाना पकता है, पक के यहाँ से सर्व होता है, ठीक है, जो काउंटर है खाने का यहाँ से सर्विंग काउंटर, ये सारे सर्विंग काउंटर हैं, यहाँ से आपको खाना मिलता है, और आपने अगर मेस लगाया हुआ है तो यहाँ से आप खाना लेके फिर सामने टेबल्स में बैठ के फिर आप सारा खाना खाते हैं। अब मैं मौजूद हूँ लॉन्ड्री वाले एरिया पे, अकोमोडेशन में बहुत अच्छा एक सिस्टम है लॉन्ड्री, आप जब कपड़े धोते हैं तो सुखाने के लिए एक अच्छी जगह दी हुई है, तारें लगी हुई हैं, देखें कितना अच्छा सेटअप दिया हुआ है इन लोगों ने। तो जब आप कपड़े धोते हैं तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे आके आप अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं, ऊपर शेड भी हैं, अगर बारिश हो जाए तो शेड से जो है वो एरिया कवर रहता है, और एक अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी लगे हुए हैं, और दूसरी साइड पे आपकी लॉन्ड्री का सिस्टम भी है, इधर भी लॉन्ड्री है अंदर, और यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर ये रिफ़्रेशमेंट शॉप है, टक शॉप जिसे बोलते हैं। अंदर जाते हैं ज़रा देखते हैं क्या सीन है।
ये देखिए ये सारी ये शॉप है, यहाँ से आप चाय वगैरह ख़रीद सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट की आइटम्स वगैरह। ट्रांसकार्ट की अपनी है, ये अकोमोडेशन के लिए दी गई है। और सीधा फिर आ जाएं, ये स्मोकिंग एरिया, यहाँ पे लोग बैठ के स्मोकिंग कर सकते हैं, टेबल भी लगाए हुए हैं अच्छे अच्छे। और सीधा फिर आगे हम जाएं तो ये सारा अराउंड द बिल्डिंग जो है ये स्मोकिंग एरिया है, ठीक है। आप चार साइड पे जाएंगे तो स्मोकिंग एरिया ही होता है। और ये है जी लॉन्ड्री, जहाँ पे आप कपड़े धो सकते हैं, मशीनें लगी हुई हैं, एक दिरहम डालो और जितने मर्जी कपड़े धो लो। और ये जो है हम पहुँच चुके हैं अभी फ्लोर में अंदर, और ये देखिए ये सारे रूम्स हैं, और इनके बाहर जो है ये रैक्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जूते वाले रैक्स हैं और इसमें आप इजीली अपने जूते स्टोर कर सकते हैं। हर रूम के साथ एक रैक लगा हुआ है और रूम वाले बंदूक के लिए है। और आगे अगर हम जाएं तो मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। ये देखें वाईफाई फ्री तो नहीं है, 25 दिरहम पर मंथ में, अगर आप ट्रांसकार्ड में तो 25 दिरहम में आप वाईफाई ले सकते हैं जी मंथली। और ये इधर है लॉन्ड्री, आपको दिखाएंगे ये जो ये वाला डोर है पिछला वाला, यहाँ पे आपको लॉन्ड्री नज़र आएगी, ये अकोमोडेशन की लॉन्ड्री है। और ये है नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है कि कितने बंदे कैंसिल हो गए हैं, कितने बंदे नए आ रहे हैं, न्यू जॉइनर्स, जिनकी सीरा ट्रेनिंग है, कितने बंदों की, उनका नाम वगैरह नोटिस बोर्ड में आता है। और यहाँ से आप चेक करके फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और यह लॉन्ड्री देखें ज़रा, ये लॉन्ड्री रूम है, और इसकी जो टाइमिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे कि किस टाइम पे ओपन होती है मॉर्निंग में, किस टाइम पे बंद होती है, ये सारा टाइम है। इस टाइम के दौरान ये लोग बोलते हैं कि आप आके अपना सारा वो ले सकते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह। ये देखिए ये जो है मील प्राइस लिखी हुई है नोटिस बोर्ड पे, मंथली कितने का है, ठीक है, तीन टाइम का, दो टाइम का कितने का है, एक टाइम का कितने का है, ये सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। और फिर ये जो है ये इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसे कहते हैं वो है। ये हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं और अभी हम रूम देखें जी। ये है जी रूम, ट्रांसकार्ट कंपनी का अच्छा रूम है माशाल्लाह, अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और ये देखें ये 7 फ्लोर हैं, और 7 फ्लोर में क्या किया है ये इन्होंने लिखा हुआ है, हर फ्लोर को कलर दिया हुआ है इन्होंने, कलर कोड दिया हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये हैं जी वॉशरूम्स और पानी पीने वाला डिस्पेंसर, बहुत अच्छी क्लीन वॉशरूम है। एक बात अच्छी है कि जो ट्रांसकार्ट की जो क्लीनिंग है वो बड़ी अच्छी है कैंप की, तो सारी वॉशरूम है साफ़ सुथरी क्लीन वॉशरूम्स हैं, ठीक है। ये बंदे की इजाज़त से मैंने वीडियो ली है, तो एक साफ़ सुथरी वॉशरूम है और सारी कैंप की ऐसी हैं सारी वॉशरूम में। उसके बाद हम अगर आगे जाएं तो लास्ट पे भी यही सीन है, लास्ट तक जो है ना आपकी सारी यहाँ पे वॉशरूम में हैं, और साथ में साइड पे वाटर डिस्पेंसर्स हैं। और ये देखिए ये लिखा हुआ है वाईफाई अगर लेना है तो वाईफाई के लिए आपको ऑनलाइन वाईफाई लेना पड़ता है, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, आपने कंपनी का वाईफाई यूज़ करना है, ये सारा प्रोसीजर देख के फिर आप कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं पार्किंग में, ये देखिए ट्रांसकार्ट की गाड़ियाँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। और ये जिम रूम है, यहाँ पे जिम अच्छी माशाल्लाह अच्छी जिम बनी हुई है यहाँ पे। और ये सारी गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं ट्रांसकार्ट की, बंदूक को ड्यूटी पे लेके जाने के लिए, लेके वापस आने के लिए ड्यूटी से। सिक्योरिटी माशाल्लाह, इज सिक्योरिटी इज वेरी गुड गाय बेन, वेयर यू वर्किंग? जुमेरा मॉल। जुमेरा मॉल, व्हाट इज द सैलरी फॉर सिक्योरिटी? I think 1,926, yeah. Now if you do overtime, 2,200. Yeah, 2,200. Yeah. Oh. Ben is very good. Say hi to Ben, everyone. Okay. See you. Finally, हम exit कर चुके हैं ट्रांसकार्ट accommodation से, और ये सारी है ट्रांसकार्ट की accommodation, और इन्होंने लिखा हुआ है अभी भी ये लोग hiring कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो ट्रांसकार्ट में apply कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी videos हैं ट्रांसकार्ट में कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और होपफुली आपको अकोमोडेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ जो लोग सिक्योरिटी में आना चाहते हैं और जो लोग ट्रांसकार्ट कंपनी में आना चाहते हैं। मैं मौजूद हूँ जबल अली में, और ट्रांसकार्ट की अकोमोडेशन से वापस आया हूँ। अभी आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा एरिया मतलब ट्रांसकार्ट की अकोमोडेशन वाली साइड पर जाता है, और मेरे पीछे जो है वो पार्को है और नेस्टो मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है जी।